नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से 1 रुपए पीस भी अगर आप उस बिजनेस को करके बेचते हैं तो भी दोस्तों आप उससे 500, 600, 800, 1000 रुपए तक की कमाई आसानी से कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कि दोस्तों इस बिजनेस में आपको लागत मुश्किल से 500 या 600 या 700 या इससे कम ही, मतलब इतने रुपए है तो भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों ये ऐसा सामान है कि इसको अपने घर पे बना करके, अपने हाथों से बना करके उसको बेच सकते हैं। और दोस्तों यह एक ऐसा बिजनेस है, ये सभी बिजनेसों में से एक ऐसा बिजनेस है जो 1500 रुपए में ये शुरू किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं और हम आपको लाइव दिखाते हैं कि इस बिजनेस के बारे में किस तरह से आप उसको बना करके अपने हाथों से बेच सकते हैं। दोस्तों इसको बनाने की भी जो प्रक्रिया है वो बहुत बड़ी कारीगरी की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों अगर आप एक आम आदमी है, कुछ भी नहीं जानते तो भी आप उस बिजनेस को बना सकते हैं, मतलब उस चीज को बनाकर उसका व्यापार कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ दिखा देते हैं, जैसे कि हम हर एक वीडियो में कुछ दिखाने के बाद ही उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तब हम आपको बताएंगे कि 1 रुपए के वो एक पीस कैसे आप बेच सकते हैं और आपको कैसे उसको मार्केट में ज्यादा डिमांड मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सिर्फ एक ही चीज की आवश्यकता होती है, उसको कहा जाता है सिर्फ चीनी। चीनी से ही आप उसको बना सकते हैं और आसानी से उसको बना करके बेच सकते हैं। दोस्तों हम आपको पूरे प्रोसेस के बारे में बताएंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो पूरा लास्ट तक देखेंगे और हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं कि कौन सा प्रोडक्ट किस चीज को आपको बनाना है और अपने हाथों से उसको बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता, आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सिर्फ ये एक पीस ही है और मैं समझाने के लिए सिर्फ एक ही पीस काफी है अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप गांव में रहते हैं तो ये एक तरह से बिजनेस बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो दोस्तों एक तरह से आप समझ लीजिए आप इसका ब्रांड भी बना सकते हैं, मतलब आप एक ब्रांड भी खुद बन सकते हैं अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं कुछ अलग तरीका बताऊंगा इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, ताकि आपके पास किस तरह से कस्टमर ज्यादा इंक्रीज हो, मतलब ज्यादा आपके पास ग्राहक आए दुकान पे ये चीज खरीदने के लिए। दोस्तों निश्चित ही आप इस बिजनेस के बारे में जानते भी होंगे, लेकिन मैं जो तरीका बताने वाला हूँ वो नया है। तो दोस्तों वीडियो पर पूरा मतलब एंड तक बने रहिएगा ताकि हमारी बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ सके, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये जो चीज है जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, जो मैं अपने हाथों में ये लिया हुआ हूँ, दोस्तों ये एक बताशा का पीस है। दोस्तों अब आप ये सोच ही रहे होंगे जो मैं कहने वाला हूँ कि ये तो बताशा दिखा करके मैं कौन सा बड़ा तीर मार रहा हूँ, ये तो मैं एक बताशा ही दिखा रहा हूँ, इसका बिजनेस कौन नहीं जानता है। जी हाँ मेरे दोस्त, जरूर आप इस बिजनेस के बारे में जानते हैं, लेकिन जो तरीका मैं बताने वाला हूँ आप उन तरीकों को नहीं जानते हैं, ये मैं 100% आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये जो मैं तरीका बताने वाला हूँ, ये मैं ये छोटे छोटे पीस बनाकर बेचने के लिए नहीं बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप इसको किस तरह से अगर आप बनाते हैं तो ये आप 1 रुपए में एक पीस बेचते हैं। नॉर्मली आपने खाया होगा और बताशा देखा भी होगा, तो दोस्तों आपने किलो के भाव से और मतलब वेट मतलब तौल करके आपने इसको खरीदा भी होगा, अगर बेचते होंगे तो बेचा भी होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आप 1 रुपए पीस में भी अगर आप इसको एक पीस भी बेचते हैं तो भी दोस्तों आप इससे समझ लीजिए कि 1000 रुपए रोजाना कमाई कर सकते हैं। मुश्किल से 400-500 रुपए भी आपका पूंजी नहीं लगेगा, लेकिन मैं फिर भी उतना मान लेता हूं कि उतना पूंजी अगर आप घर पे ही लगाकर बना देते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि ये किस तरह से आप पहले इसको बनाएंगे। दोस्तों इस जो ये बताशा का पीस है, इसका बनाने का जो जो मतलब रॉ मटेरियल तैयार करने का या रॉ मटेरियल मंगाने का, जो इसमें मटेरियल डालना है, उसकी प्रक्रिया सेम ही है। लेकिन दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, जो इसका साइज है वो थोड़ा बड़ा रखना है, मतलब इसका जो साइज होता है, मान लीजिए कि अगर ये इसका जो आप साइज देख रहे हैं, ये मैं थोड़ा और ऊपर करके दिखा दे, इसका जो साइज देख रहे हैं इसको थोड़ा और बड़ा रख देना है। और दोस्तों सिर्फ कुछ नहीं करना है, बस इसी तरह से इसको उसी तरीके से उसी जिस तरीके से ये बनाया हुआ है, मतलब छोटा पीस बनाया, उसी तरीके से ये बड़ा पीस और एक बराबर पीस बनाना है, मतलब ये कोई छोटा कोई बड़ा ऐसे नहीं बनाना, एक सांचे में इसको ढाल करके बनाना है, सिर्फ बस यही आपको चेंजिंग करना है। दोस्तों इसको बनाने के बाद आप चाहें तो इसको किसी डब्बे में पैक कर सकते हैं, किसी अच्छे खासे शीशे में, मतलब
जो एक तरह से जहाँ पर मतलब सुरक्षित ये रह सके, ज़्यादा धूप यहाँ इसके पास न लग सके, वहाँ पे आप इसको मतलब रख करके और कस्टमर को दिखता भी रहे दोस्तों, वहाँ पर इसको रख सकते हैं। और दोस्तों आप चाहें तो एक साइकिल के जरिए, या अगर आपका छोटा मोटा दुकान है वहाँ पर भी आप इसको बना कर रख सकते हैं। और दोस्तों ये 1 रुपये में 1 पीस बिकेगा, और मैं आपको बता दूँ कि कोई भी व्यक्ति 1 रुपये का कोई भी सामान लोग खरीदने नहीं आते हैं। तो दोस्तों तो आप ये ना सोचिएगा कि 1 रुपये में मैं कहाँ कहाँ बेचूंगा, ये आप नहीं सोचिएगा। जब भी आप इसको बेचेंगे 5 रुपये का 5 पीस, 10 रुपये का 10 पीस, दोस्तों इससे साइज सिर्फ बड़ा करके आप इस तरीके से बेच सकते हैं बिना इसको वेट किए। दोस्तों एक दूसरा तरीका ये भी है, जो वो भी नया है, हो सकता है कि कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी होता है। दोस्तों इसका जो साइज होता है वो उससे भी थोड़ा अगर बड़ा कर देते हैं, मान लीजिए कि अगर 4x4 का कर दे, मतलब 4 इंच इधर से 4 इंच इधर से, तो दोस्तों वो 6 रुपये, 8 रुपये या 10 रुपये पीस भी उसको बेच सकते हैं, मतलब 5 रुपये से कम पीस नहीं बेच सकते। तो दोस्तों इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों इस बिजनेस को अगर आप शुरू करते हैं तो इसमें आपको लागत बहुत कम लगने की संभावना है, मतलब लागत एक तरह से समझा जाए तो बाकी जो मिठाइयाँ, अगर छेना वगैरह का मिठाई बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा लागत लगता है। लेकिन दोस्तों ये सब मिठाई है, ये नॉर्मली अगर गाँव में अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो गाँव में ये आसानी से शुरू कर सकते हैं, और ये बहुत कम पूंजी में शुरू किया जा सकता है। और सबसे ज़्यादा ये चीज़ है कि इसका मार्केट डिमांड भी कम नहीं है, क्योंकि आप इसको सस्ता भी बेच हैं और मार्केट डिमांड भी इसका ज्यादा है। गांव में ज्यादातर एक तरह से देखा जाए तो बच्चे हैं या कोई भी व्यक्ति है, तो गांव में सस्ते मिठाई सभी लोग खाना पसंद करते हैं, न कि महंगे मिठाई। महंगे मिठाई बहुत कम लोग खाते हैं, लेकिन सस्ते मिठाई सभी लोग खाते हैं, और ये सेहत के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। ये बताशा जो होता है पाचन प्रक्रिया को सही रखता है। अगर इसका सीमित मात्रा में उपयोग किया जाए, मतलब सही सही मात्रा में खाया जाए, तो ये पाचन प्रक्रिया के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक चीज होता है। तो दोस्तों इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आप इस बिजनेस करना चाहते हैं तो निश्चिंत ही आप इसका बिजनेस कीजिए, और बहुत कम पूंजी में ये शुरू किया जा सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूँ कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। दोस्तों अगर और कोई भी अगर आपको डाउट होता है इस बिजनेस के बारे में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपके उत्तर देने का जरूर प्रयास करेंगे। दोस्तों हमारा एक ब्लॉगिंग चैनल है जिसका नाम बीके पुराना है, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। दोस्तों वहां जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, और फिर किसी नए बिजनेस आइडिया के बारे में आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त, आपका विष्णु। जय हिंद, जय भारत।